भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। बहुरंगी संस्कृतियों का ये संगम जितना सरल जितना सुगम उतनी ही चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत की इस बहुमूल्य विरासत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा रेल पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेल मार्ग से जुड़ने की शुरुआत 1881 में बंगाल असम रेल के साथ हुई थी और इसी वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेल टॉय ट्रेन भी शुरू की गई थी। 1947 में भारत का विभाजन हो गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र एक तरह से देश से कट गया। असम को शेष भारत से फौरन जोड़ने के लिए इसी साल असम रेल की स्थापना कर असम रेल लिंक परियोजना शुरू की गई। 1948 में किशनगंज से फकीराग्राम तक 142 मील लंबी रेल लिंक लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। भारतीय रेल ने इसे एक साल के रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा कर दिसंबर 1949 में यातायात के लिए खोल दिया। साल 1952 में रेलवे के पुनर्गठन के तहत असम रेल को पूर्वोत्तर रेलवे में शामिल कर लिया गया, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को गति देने के लिए 15 जनवरी 1958 में इसे पूर्वोत्तर रेलवे से अलग कर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की स्थापना की गई। मालीगांव मुख्यालय और वर्तमान के 5 मंडलों अलीपुरद्वार, कटिहार, लामडिंग, रंगिया और तिनसुकिया में विभाजित इस रेल जोन में 7 सिस्टर्स राज्यों सहित पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से शामिल किए गए। अपनी स्थापना से लेकर आज तक रेल न सिर्फ प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है बल्कि अपनी धरोहरों को भी संजो कर रखा है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल इसका एक उदाहरण है जिसमें स्टीम लोकोमोटिव अब भी पटरी पर दौड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में रेल यातायात का ये नायाब नमूना है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। घाटियों के उतार चढ़ाव और मनमोहक दृश्यों के बीच से गुजरने वाली ये खिलौना गाड़ी स्थानीय परिवहन के साथ पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।